हेलो, मैं हाँ कौन बात होम्योपैथिक कर से रहे हैं? बोल रहा हूँ, डॉक्टर दत्ता। हाँ डॉक्टर दत्ता, नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ बोलिए, सर क्या बोल रहे थे बताइए। हाँ सर, वो पिछली बार आपने जो दवाई दी थी ना 2 मंथ्स के लिए, तो उसके अंदर वो गोलियां भी थी और वो लिक्विड भी थी, तो उसमें सर अपने को इम्प्रूवमेंट क्या हुआ कि उसके अंदर ना थोड़ा हार्डनेस भी आया और टाइमिंग भी बढ़ा सर। मतलब अब टाइमिंग कैसे समझते हैं, तो मैस्टरबेशन से समझते हैं सर, क्योंकि मेरा अभी मैरिज नहीं हुआ ना, तो वही है। और उसके बाद में हार्डनेस भी बढ़ा और अच्छा मॉर्निंग इरेक्शंस भी आ रहे थे उसके अंदर। अच्छा नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज सुना, इस पेशेंट को बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लिंग में कठोरता की प्रॉब्लम है। कठोरता ठीक से मेंटेन नहीं होता है, इच्छा की कमी है। और ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले कई जगहों से ट्रीटमेंट किया हुआ है, बड़ी बड़ी जगहों से इन्होंने जाकर ट्रीटमेंट किया हुआ है, लेकिन कुछ खास परिणाम इनको नहीं मिल पाया है। इनको वेरिकोसिल की भी प्रॉब्लम है और साथ ही साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, और इनको लिंग में कठोरता की कमी है, और मन में इनको सेक्स के प्रति विचार उतना ज़्यादा उत्पन्न नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए कई जगहों से ट्रीटमेंट किया हुआ, लेकिन ऑल इन वेल, कोई खास इम्प्रूवमेंट इनको नहीं हो पाया है। अब इनका ट्रीटमेंट मेरे पास चल रहा है पिछले 2 महीने से। इस पेशेंट को मैं थॉरली केस टेकिंग करके कॉस्टिकम प्रेस्क्राइब किया था, कॉस्टिकम 0/1, 2, 3, 4 इन एलएम पोटेंसी 50 मिलीसीमल स्केल, जो कि इससे पहले किसी ने भी इनको कॉस्टिकम प्रेस्क्राइब नहीं किया था, जबकि ये पेशेंट कॉस्टिकम है, यानी कॉस्टिकम इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर दिस पर्टिकुलर पेशेंट, एंड विदाउट गिविंग कॉस्टिकम दिस पेशेंट कैनॉट बी क्योर्ड। इस पेशेंट को क्योर करने के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो किसी ने भी कॉस्टिकम जब नहीं दिया, तो कैसे पेशेंट क्योर होगा। अब इस पेशेंट को मैं कॉस्टिकम जैसे ही दिया, तो पेशेंट को अच्छा इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया विद इन 7 डेज, 7 दिन का अंदर ही पेशेंट का फीडबैक आया कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मुझे फील हो रहा है, अच्छा इंप्रूवमेंट मुझे आना स्टार्ट हो गया है। अभी पेशेंट का मैं फिर से फॉलोअप किया, पेशेंट ने बताया कि अच्छा इंप्रूवमेंट है, अच्छा इरेक्शन आ रहा है, मॉर्निंग इरेक्शन अच्छा से आ रहा है, लिबिडो फिर से मेंटेन हो रहा है, और वेरिकोसिल के अंदर भी इनको अच्छा इंप्रूवमेंट है। जब ये पेशेंट मेरे पास आया हुआ था केस टेकिंग कराने के लिए, जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए जब ये आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब दोनों ही टेस्टिस, यानी बायलेटरल टेस्टिस के अंदर इनको वेरिकोसिल की शिकायत है। जो टेस्टिस है वहाँ पे गुच्छे जैसा बन चुका है, और वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू पेन रेडिएट हो रहा है, यानी नाभि की तरफ पेन जो है जाता है, यानी टेस्टिस से नाभि की तरफ पेन चला जाता है, जो कि बेसिकली वेरिकोसिल के अंदर देखा जाता है। तो ये उनको हो रहा था, अब ये सब नहीं हो रहा है, गुच्छे कम होना स्टार्ट हो चुके हैं, पेन दर्द कम होना स्टार्ट हो चुका है। तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुआ है कॉस्टिकम से, सिर्फ एक पर्टिकुलर इम्प्रूवमेंट हुआ ऐसा नहीं, सिंगल मेडिसिन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो गया है। हाँ, साथ में इनको टैबलेट इसलिए दिया गया था, मैंने नहीं दिया, पेशेंट ने खुद बताया डॉक्टर साहब जो टैबलेट है उसको ही भेज दीजिए, क्योंकि मेरा शादी सामने है, घर से प्रेशर मुझे मिल रहा है कि शादी करो करके, तो मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है, उसको भी आप डाल दीजिए। तो पेशेंट के कहने पर मैंने डाल दिया उसको, तो उससे और अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया, फास्ट इंप्रूवमेंट आ गया, जल्दी इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया उससे। बट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तौर पे कॉस्टिकम इज द मेन मेडिसिन, मेरा गोली यहाँ मेन मेडिसिन नहीं है। बहुत लोग बिजनेस करने के लिए बोल देते हैं कि मेरा बना हुआ जो जेल है, जो टैबलेट है, वो मेन मेडिसिन, उसको ले लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं बिजनेस माइंडेड नहीं हूँ, मैं कहूँगा कॉस्टिकम इज द मेन मेडिसिन। कॉस्टिकम से ही इस पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक हुआ, गोली से प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। गोली से सिर्फ इतना होता है कि एक इनिशियल बूस्ट मिल जाता है, एक अच्छा इंप्रूवमेंट जो है होना स्टार्ट हो जाता है, बस इतना वो कर सकता है, और उसको खो सकता है कुछ दिन तक, कुछ देर तक उसको मेंटेन कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम को क्योर मेरा टैबलेट या किसी का बनाया हुआ टैबलेट, जेल, गोली, ऑयल, कोई नहीं कर सकता है, सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जब तक आप प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे पेशेंट का अंदर, तब तक आपका पेशेंट का प्रॉब्लम क्योर नहीं होगा। अब इस पेशेंट को कॉस्टिकम क्यों प्रेस्क्राइब किया गया था? कॉस्टिकम इसलिए प्रेस्क्राइब किया गया था कि इस पेशेंट के अंदर स्वीट की क्रेविंग नहीं है, बॉडी में वाट्स है, मस्सा है, सिंपैथेटिक ग्राउंडेड है, यानी सिंपैथी इनका अंदर बहुत ज़्यादा है, लोगों के प्रति सहानुभूति, किसी को जाके हेल्प करना, ये कॉस्टिकम के अंदर पाया जाता है, पेशेंट के अंदर भी पाया गया है। पेशाब लगता है तो पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इनवॉलेंट्री यूरिन हो जाता है कई बार, तो ये भी कॉस्टिकम है। कॉस्टिकम इज ऑल्सो ए राइट साइडेड रेमेडी, जस्ट लाइक लाइकोपोडियम, जस्ट लाइक कैलिकार, जस्ट लाइक कलक्रियाकार। तो कॉस्टिकम जो है राइट साइडेड रेमेडी, और इनका जो वेरिकोसिल का प्रॉब्लम है ये भी राइट साइड से ही स्टार्ट हुआ था,
तो ये भी कॉस्टिक कम इंडिकेट कर रहा है। और इसके अलावा अगर पेशेंट का अगर फैमिली हिस्ट्री की अगर बात करें, अगर मायाजम की बात करें, तो वहाँ भी पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री में साइकोटिक मैनिफेस्टेशन पाया गया है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट जो है साइकोटिक है। और साथ ही साथ हमारा जो मेडिसिन है कॉस्टिकम, इट्स ए ग्रेट एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, तो हर एंगल से मेरा जो मेडिसिन जो है, जो ड्रग सिलेक्शन है, वो बिल्कुल परफेक्ट है पेशेंट के लिए। और साथ ही साथ पेशेंट का अंदर कॉस्टिकम को और सिम्टम्स भी मैच किए, टाइम मोडालिटीज भी कुछ मैच किए, राइट साइडेड एग्रावेशन भी मैच किए, प्रीफर्स ग्रीन चिलीज, रॉ सॉल्ट, ये भी मैच किए, एंजाइटी मैच किए, कॉन्स्टिपेशन मैच किए, पसीना मैच किए, तो सब कुछ मिला के टोटालिटी के बेस पे कॉस्टिकम प्रिस्क्राइब किया गया था। और कॉस्टिकम से पेशेंट का प्रॉब्लम जड़ से क्लियर हो गया, जड़ से क्लियर हो जा रहा है, और एक दो महीने में पूरी तरह और अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा पेशेंट का अंदर। पेशेंट का फीडबैक भी आप देख पा रहे हैं व्हाट्सएप पे जो पेशेंट ने किया है, तो एक पेशेंट जब इस तरह का फीडबैक डालता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि पेशेंट को कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, तभी जाके पेशेंट का दिल से इस तरह का फीडबैक आता है। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी बेकार है, काम नहीं करता है, होम्योपैथी फालतू है, तो होम्योपैथी बेकार नहीं है, होम्योपैथी फालतू नहीं है। होम्योपैथी में सही दवा का सिलेक्शन करना एक बहुत बड़ा आर्ट है, जो कि खुद से नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको एक डॉक्टर के पास से जाके आपको उनको केस टेकिंग पूरा दे के आपका ड्रग सिलेक्शन करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट उनसे स्टार्ट करना पड़ेगा। आप इनका वीडियो, उनका वीडियो, मेरा वीडियो देख के जो हम लोग जनरल मेडिसिन बताते हैं और उन मेडिसिन को खा के आप समझते हैं कि सोच रहे कि आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, डॉक्टर साहब आप इतने सारे मेडिसिन का नाम बताते हैं, कौन सा मेडिसिन खाना है, कौन सा नहीं खाना है, कोई एक मेडिसिन का नाम आप क्यों नहीं बताते हैं, या फिर कोई एक कॉम्बिनेशन आप क्यों नहीं बताते हैं कि सब मेडिसिन एक साथ मिला के आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कॉम्बिनेशन ले लो, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तो उन लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि होम्योपैथी में कोई भी फिक्स मेडिसिन नहीं होता है, चाहे प्रॉब्लम कुछ भी क्यों ना हो जाए, जैसे आपका लक्षण रहेगा लक्षण के अनुसार ही आपको अपना दवा मिलेगा। अब अगर इस पेशेंट का अगर सिम्टम्स मेडोरेनम का होता तो मेडोरेनम से प्रॉब्लम ठीक होता, अगर लाइकोपोडियम का होता तो लाइकोपोडियम से प्रॉब्लम ठीक होता। अब इस पेशेंट का सिम्टम कॉस्टिकम से मैच किया है तो कॉस्टिकम से प्रॉब्लम ठीक हो रहा है। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि होम्योपैथी में फिक्स मेडिसिन नहीं होता है, यही इसका खासियत है, इसकी खूबसूरती है कि यहाँ पे फिक्स मेडिसिन नहीं होता है, और इसीलिए पेशेंट क्योर भी हो रहा है। अगर फिक्स्ड आइडियोलॉजी अगर रहता है, जैसे एलोपैथी में होता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो मेडिसिन, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट अगर यहाँ भी अगर स्टार्ट हो जाता है तो पेशेंट को क्योर नहीं मिल पाता, क्योर पेशेंट नहीं हो पाते। माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।